कांग्रेस की जय जवान जय किसान पदयात्रा आज कांग्रेस कार्यालय से इंदिरा गांधी सर्किल गुमानपुरा तक निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से आमजन को जागरूक किए जाने का प्रयास किया गया। युवा कांग्रेस मोइजुद्दीन गुड्डू ने बताया कि रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय कोटा गुमानपुरा में प्रदेश युवक कांग्रेस के निर्देश अनुसार महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। अलग माहौल तैयार किया जा रहा है इलेक्शनों के मद्देनजर रखते हुए, वो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ दिल्ली में उनको एंट्री नहीं की और साथ ही उनको गोलियों मार के किसानों की हत्या की, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने किसान न्याय यात्रा का आयोजन करने के लिए कोटा शहर और ग्रामीण दोनों में जिलाध्यक्षों को हमने बोला और आज उसका आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी द्वारा जो 5 हमारी योजनाएं लॉन्च हुई है परसों दिन, उन सब का बखान हम रैली में कार्यकर्ताओं से मिलते हुए करेंगे। जो कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ को जीतने की तैयारी, यूथ को जोड़ने की तैयारी और जिस प्रकार से केंद्र में ये शाह और शहनशाह की जो सरकार इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रही है, उसको बताया जाएगा कि किस तरीके से हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की माननीय मोदी जी ने बात करी थी। हमने भी आप जैसे मीडिया साथियों के चैनल के माध्यम से देखा था तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। नौकरियां देना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने नौकरी छीन ली है अपने प्राइवेट मित्रों को, इन्होंने रेलवे से लेकर एयरपोर्ट कुछ नहीं छोड़ा, सब बेचने का काम किया। आज भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी जी हमारे लोकसभा प्रभारी जी यहाँ पधारे हैं, तो कोटा शहर व जिला कार्यकारिणी के सभी समस्त जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सब इस मीटिंग में जय जवान जय किसान में यहाँ सबने हिस्सा लिया है। और जो बीजेपी सरकार द्वारा जिस तरह से एक हिटलर तानाशाही रूप से सरकार चलाई जा रही है, उसको जवाब देने के लिए युवाओं के दिल में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा।